शोएब सिद्दीकी की क़यादत में तहरीक-ए-इंसाफ की टीम का मीनार-ए-पाकिस्तान का दौरा, मीनार-ए-पाकिस्तान ग्राउंड की सफाई करवाई, इसी पर बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी बताएगा सफाई का अमल शुरू हो गया। अजी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की क्यादत ने यह वादा किया था कि मीनार पाकिस्तान के सब्जादार को अगर इनके जलसे के नतीजे में कोई सफाई का मसला होगा या कोई नुकसान होगा तो वह पूरा करेंगे। उसी पर अमल करते हुए तहरीक इंसाफ की क्यादत दो दिन से एक जाना तो यहाँ से जो कूड़ा किकट और दूसरा सामान था उसको उठा रही है। जो पंडाल में कुर्सियां थी, रॉड्स थे लोहे के, दूसरे कंटेनर्स, उनको उठाया जा रहा है और साथ ही आज सफाई भी की जा रही है। खुद पार्टी के रहनुमा शोएब सिद्दीकी और दूसरे पार्टी के जो रहनुमा उन्होंने झाड़ू उठाकर इस सब्जादार में ग्राउंड को साफ करने के लिए झाड़ू दिया है और यहाँ से कूड़ा किरकट उठाया जा रहा है। थोड़ी देर में अलीम खान जो कि तहरीक इंसाफ वसी पंजाब के सदर है वो भी यहाँ का विजिट करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताएंगे और दिखाएंगे मीडिया को कि किस तरह मीनार पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया है। कंटेनर्स उठाने का अमल अभी बाकी है लेकिन देखा जाए तो कुर्सियां उठा ली गई हैं, यहाँ से खारदार तारें उठा ली गई हैं, जो परचमों के साथ इस्तेमाल होने वाले डंडे होते हैं वो उठा लिए गए हैं, शॉपर्स खाली बोतलें वो सारा कुछ उठा लिया गया है। लेकिन अब जो है फाइनली झाड़ू दिया जा रहा है पूरे ग्राउंड में, उतने एरिया में जहाँ पे लियाकत अंसारी।